हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में, हमारे देश की बेटियां सेफ नहीं हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी ने पढ़ा भी और बहुत पढ़ा, नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया और उसने डॉक्टर भी बना, फिर भी वो बच नहीं पाई। अब ये केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं, आज 25 अगस्त है, तो सीबीआई ने अपना काम कहां तक किया है। संदीप घोष के घर और कोलकाता में 15 लोकेशन पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन, भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई। सीबीआई की एक टीम डॉक्टर संदीप घोष के आवास पर पहुंची, उसी तरह दूसरी टीम आरजी कर में फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष सोम के आवास पर पहुंची है। कोलकाता में संडे को सीबीआई का 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वित्तीय अनियमितता के सीबीआई द्वारा दर्ज केस में यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अस्पताल में फाइनेंशियल अनियमितताओं करप्शन के मामले में कोलकाता में सीबीआई की छापामारी हुई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई की टीम। इसके अलावा सीबीआई की एक टीम आरजी कर अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर देवाशीष सोम के घर भी पहुंची है। कहा जा रहा है देवाशीष सोम बेहद करीबी हैं संदीप घोष के, और देवाशीष का घर कोलकाता के केस्टोपुर में है। आरजी कर अस्पताल में लग रहे भ्रष्टाचार के मामले की जाँच के लिए पहुंची है सीबीआई की टीम। शनिवार को ही इस मामले में भी सीबीआई ने एक नई केस संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।